हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सारे लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए कि सभी को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से जा रही है नहीं। आप लोग को आवाज जा रही है क्या अच्छे तरीके से? एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा। जब तुम कुछ नया नया जब कुछ सेटल करते हो ना, तो हमेशा ये वाली प्रॉब्लम जो होती है वो हमेशा रह जाती है कि पता नहीं आवाज जा रही है नहीं जा रही है। ओके, उसके साथ ही मैं आप लोग एक जानकारी के लिए चीज बता दूं कि अभी आप लोग को चल रहा है टेक्स्ट बुक के ऊपर प्रीमियर लीग चल रही है। मैम, आईपीएल के दीवाने तो हम सारे के सारे ही आईपीएल के दीवाने हैं। अभी एक दो लाइंस मुझे याद आ रही थी आईपीएल को लेके, फिर मैच फिक्सिंग को लेके, उसके बारे में अभी बात नहीं करनी है। तो इसके साथ ही टेक्स्ट बुक परिवार जो है यह लेके आया है आप सभी के लिए ऑफर लेके आया है, जिसमें ईयरली पास यानी कि टेक्स्ट बुक का ईयरली पास। देखो, ईयरली पास के बहुत 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 सारे फायदे हैं। अब जाहिर सी बात है कि तुम ये ईयरली पास लेने के बाद मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, यहाँ पे ऑब्वियसली पॉइंट है। अब ये टेक्स्ट बुक का पास जो है यहाँ पे, अब जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स है 5000 प्लस आपकी जितनी भी आपके टेस्ट फीस यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी पता है इस तरीके से अवेलेबल है जैसे आप एग्जाम देते हो कि मैम मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर मेरे को एक टॉपिक का टेस्ट देना है, मेरे को नहीं देना बाकी चीजों का, एक टॉपिक का टेस्ट देना है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम ये ले लो। टॉपिक वाइज टेस्ट, एक सब्जेक्ट कोई कंप्लीट हो गया, टॉपिक तो हो ही गया। पहले आवाज आ रही है, जल्दी बताओ वॉइस, ये माइक की आवाज नहीं आ रही है क्या? सराउंडिंग की वॉइस आ रही है आई गेस। Give me a second. नहीं आ रही है। Just give me a second, guys. Just give me a second. Okay, तो ये हमारा ठीक होता हुआ रहेगा और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आई गेस ये ऑडियो की आवाज नहीं ले रही है, माइक की आवाज दे रही है। ये भी मेरी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। चलिए, तब तक आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कूपन कोड क्या यूज करना है। अगर आपको ये परचेस करना है तो आपको इसके लिए कूपन कोड क्या लगाना है? 269 रुपीस में आपको पूरे साल का पास जो है ये आपको मिल रहा है 269 रुपीस में। कूपन कोड आपको लगाना है दिव्या पास। कूपन कोड क्या लगाना है? दिव्या पास। अरे भैया ये इतना, चलो ये वाला सीट है। तो मैम कूपन कोड हमने क्या लगाया? कूपन कोड हमने लगाया दिव्या पास। आपने जैसे ही ये कूपन कोड लगा दिया वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक सालों के लिए। चलिए बढ़ते अपने सेशन की तरफ फटाफट तरीके से, जल्दी जल्दी। ओके ओके, मुझे दिख रहा है बच्चा यहाँ एक्चुअली माइक की आवाज आ रही है, ऑडियो जो है ना ऑडियो में आवाज नहीं आ रही है, चेक करना उसको। रोज होती है आप लोग की मास्टर क्लास 3:30 बजे, और मास्टर क्लास के बाद अगर हम बात करते हैं, 3:30 बजे मास्टर क्लास होती है, उसके साथ ही अगर हम बात करें, ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग जिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा। ओके चलिए, आते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ आते हैं। आप लोग को आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अभी ज्यादा हो गया है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। गाइस हमारी ऑडिबल, एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा मुझे क्या अभी अभी वो आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अभी सही आ रही है आप लोग को आवाज? बेटा माइक में कोई प्रॉब्लम हो गया था। यस नाउ ऑडिबल, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलिए फिर बढ़ते अपने सेशन की तरफ फटाफट। देखिए स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? मुझे तुम स्टार्टिंग में दोबारा से नया स्टूडियो सेटअप कर रहे हो ना, कहीं नई जगह पे तो बहुत इश्यूज आती है, वॉइस की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, एक दिन तो लग ही जाता है जानने में कि पता नहीं सही चल रही चीजें या नहीं चल रही है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये बता रहा है कि किस स्टेट में सबसे पहली बार पैलोलिथिक साइट जो है, मैम हमारा पैलोलिथिक साइट सबसे पहली बार हमारा किस स्टेट में आपका पाया गया था? तो मैम हमें जो यहाँ पे जानकारी मिलती है प्रिम रोज के बारे में, जिसने डिस्कवर किया था नाइफ, पॉलिश नाइफ, कहां पे किस जगह में? कर्नाटका में। कहां पे मैम? कर्नाटका में, राइट। आप लोग को डिस्प्ले बोर्ड क्लियर हो रहा है? एक्चुअली मुझे बोर्ड थोड़ा सा नीचे करवाना था, बोर्ड काफी ऊपर लग गया जिसके से लाइट की फोकसिंग आ रही है आई गेस। ये मुझे कंफर्मेशन देना फिलहाल, आप लोग को बोर्ड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है?
जस्ट लेट मी चेक. वो लाइट की प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली. लाइट जो है ना हमारी, वो बोर्ड काफी ऊपर लग गया है, और मैं तो सुबह से फोन की जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही कल आई हूँ, तो मैं सुबह से फोन की जा रही हूँ कि भाई आके एक बार लाइट वाला जो बोर्ड है नीचे कर दे एटलीस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं आर्यन ट्राइब्स के बारे में. किसके बारे में मैम? आर्यन ट्राइब के बारे में. तो जो अभी हर कोई ट्राइब था, जब मैंने आपको ट्राइब्स पढ़ाया था, तो अगर आपको ध्यान हो कि जब मैं आपको ट्राइब्स पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको दो तीन चीजें कही थी. क्या? कि चाहे जो तुम नॉर्थ ईस्ट में जो लोगों को देख रहे हो, चाहे तुम केरला में लोगों को देख रहे हो, चाहे तुम अपनी जिस भी रीजन में आप लोग सभी रहते हैं, आप लोग अपने अपने रीजन में चाहे आप किसी को भी आप देख ले, तो आप क्या बोलोगे? हर कोई जो है ये किसी न किसी ट्राइब से ही आया हुआ है सबका. जैसे कोई चाइना मंगोलिया के बॉर्डर से उठ के आ गया, जैसे टर्किश ले लो ना, तो तुर्की थे. तुर्की क्या थे? तुर्की मुसलमान थे? नहीं थे ना, ट्राइब थे, एक कबीला था, एक जो एक चीन के उत्तर पश्चिम इलाके पर रेसाइड किया करता था. एग्जैक्टली उसी कंडीशन में अगर हम जाते हैं आर्यन ट्राइब्स के बारे में, जब हम बात करते हैं, तो आर्यन के बारे में क्या कहा जाता है? देखो दो तीन बातें. पहली बात ये कि आर्यन को ना एग्रीकल्चर करना नहीं आता था. क्या मैम? एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करना इनको नहीं आता था. इनको क्या आता था? ये ज्ञान देते थे, पढ़े लिखे लोग थे, ये मांस का सेवन नहीं किया करते थे. अगर पूछोगे कोई मांस वास का ही सेवन करते थे, ये मांस का सेवन जो है ये बिल्कुल भी नहीं करते थे. दूध का सेवन करते थे ज्यादातर, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, हाँ मैम उनका सेवन जरूर करते थे. राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स. यार पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम लग रही है कुछ क्लास में. अच्छा आप लोगों को साउंड आ रही है ना सही से? आवाज आ रही है ना सही से? जस्ट गिव मी वन सेकंड. बताइएगा आप लोग को डिस्प्ले बोर्ड क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है? आप लोग को डिस्प्ले बोर्ड क्लियर दिख रही है या नहीं दिख रही है? दो आवाज कैसे आ रही है? माइक की दो आवाज आ रही है ना आप लोग को? मैंने अभी जस्ट सुनी. इसका क्या है मैम? जनाज. माइक में आप लोग को दो आवाज जा रही है. अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही थोड़ी सी ना खराब हो जाती है कई बार. अब बताइएगा भाई आप लोग को आवाज जा रही है क्या? अभी भी दो आवाज जा रही है या फिर अब सही है? अब सही है या नहीं? चली गई ना? अब सही है. फाइन, अभी इस क्लास के बाद मैं फोन करके पहले मैं बोर्ड जो है ना उसको नीचे करवाती हूँ. मैं सुबह से लगी हुई हूँ बंदे को फोन करने में, स्टूडियो वाले को, कि भाई आके बोर्ड नीचे कर जाओ. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आपसे बातें कर रही है. मुगल एम्परर औरंगजेब के बारे में बात हो रही है. किसके बारे में? मुगल एम्परर औरंगजेब के बारे में बात हो रही है कि इसकी मैम डेथ कहाँ पे हुई थी, मुगल एम्परर औरंगजेब की. अगर मैं इसके डेथ के बारे में हम बात करते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो कि इसकी मृत्यु हुई थी 1707 में, और जब इसकी मृत्यु हुई थी उस वक्त पे इसकी एज कितनी थी? 88 इयर्स थी. मस्त मौला तरीके से अपने जीवन को जिया है, कहते हैं ना मस्त मौला तरीके से अपने अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बंदे ने जिया. जब मन किया कि अपने भाइयों को राजपाट नहीं देना है, तो उनकी जान ले ली गई, उनको मार दिया गया.
जब इसको लगा कि किसी सिख को मारना है, उनका धर्म नहीं फैलने देना, उसको मार दिया। बोला किसी हिंदू को मारना है, हिंदू को मार दो, मंदिर तोड़ा है, मंदिर तोड़ दो। तो इसने अपने अकॉर्डिंगली जीवन में सारे के सारे काम जो इसने अपने अकॉर्डिंगली किए, ना कि किसी को मतलब किसी की बात सुनने वाला व्यक्ति रहा हो। तो इसे हमेशा से कहा जाता है कि बहुत ही क्रूएल और बहुत ऑर्थोडॉक्स, मतलब कट्टरवादी होता है ना एक्सट्रीमिस्ट, वैसा बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी किस्म का ये व्यक्ति था ये। अब ये अलग बात है कि हिस्ट्री की किताबें हमें ये पढ़ाती कि जिंदा पीर जिंदा पीर जिंदा पीर था, लेकिन ये अपने आप को जिंदा पीर बुलाता था। अब देखो अपने आप को इंसान कुछ भी बुला सकता है, राइट? तो हमने क्या कहा, इसकी जो आपकी मृत्यु हुई उसे दफनाया गया किस जगह पे, अहमदनगर में। एक खास बात ये है कि जब इसे दफनाया गया तो खुली हवा के नीचे दफनाया गया, मतलब एक प्रॉपर महल वहल बना के नहीं दफनाया गया था। इसने एक दो काम किए थे, जैसे एक मोती महल जो बनवाया, जो आपकी रेड फोर्ट के अंदर, ध्यान रखना, आपकी रेड फोर्ट के अंदर जो आपकी मोती महल है, उस मोती महल को बनवाने वाला कौन था मैम? औरंगजेब था उस मोती महल को बनवाने वाला। अगर आपसे ये पूछ देगा, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, अगर आपसे ये पूछता है कि इसके अलावा इसने एक रिप्लिका बनाया था, एग्जैक्ट ताजमहल जैसा दिखने वाला एक रिप्लिका इसने तैयार किया था, और आप बताइए कि उस रिप्लिका का नाम क्या था जिसे तैयार किया था। देखो भाई, इसने अपने पिता को इसलिए कैद कर दिया था क्योंकि इसके पिता ने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे ताजमहल बनवाने में। और देखो आयरनी देखो कि इसके बाद इसने अपनी बेगम के लिए, जिसकी दिलरस बेगम नाम, देखो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा सा नाम ये लोग रखते थे, ठीक है, मतलब आज की दुनिया को ब्लेम करते हैं, अश्लील प्रकार के नाम रखते हैं औरंगजेब वगैरह। तो दिलरस बेगम जो थी ये उनका नाम था जिनके लिए इसने एक ताजमहल का एक रिप्लिका बनाया था, कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताइए मुझे कमेंट में। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पाला राजाओं के बारे में, तो किस पाल के राजा ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की? मैम पहले तो ये जान लेते हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है कहाँ पे। तो मैम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपकी है बिहार में। बिहार में कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है, कहलगांव है वहां पे, और कहलगांव के ठीक पास में ही आपका, कहलगांव में ही आपका यूनिवर्सिटी जो है ये आपका कहलगांव में स्थित है। और इसको बनवाया किसने? तो इसे धर्मपाला राजा ने बनवाया था। दो चीजों से, देखो बिहार से आपको दो चीजों का आपका सवाल बनता है यूनिवर्सिटी से। एक तो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें, दुनिया कैसी मानी जाती है, तो वो हम क्या कहते हैं मैम? नालंदा यूनिवर्सिटी है ना। बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जैसे आया आपका, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग दूर दूर से आते थे पढ़ाई करने के लिए अलग अलग तरीके से, और कई कई सालों तक बस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बस यहाँ पे लोग प्रिपेयर कर रहे होते थे। तो पहला वाला जो सवाल है मैम, चलो इसका धर्मपाला ने बनाया विक्रमशिला। और जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आप बता रही हूँ वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है आपकी कौन सी मैम? वो है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है। ये बनाया गया किसके द्वारा? धर्मपाला के द्वारा। और वैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अभी, अगर प्रॉब्लम अगर किसी को ऊपर वाले बोर्ड पे हो रही है तो प्लीज बताओ मुझे। हाँ, अगर किसी को ऊपर वाले पे अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो बताना मुझे, कि मुझे लग रहा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो है ऊपर वाली लाइट का वो यहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड बहुत ऊपर लग गया है काफी ज्यादा है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है सीलिंग ही इफेक्ट पड़ रहा है, सीलिंग थोड़ा सा नीचे। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी कब मैम? 5th सेंचुरी में जैसे बिल्ड किया गया, ठीक है, और किसके द्वारा? कुमार गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्ता के द्वारा। इतनी बार पढ़ लो ना, इतनी बार पढ़ लो कि मैम सवाल जितनी बार भी आएगा ना, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हमने जवाब देना है। आगे देखते हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम अथॉरिटी टू डू द जस्टिस, है ना? क्या मैम, क्या बोला मैम? किसको अपॉइंट किया गया था सुप्रीम अथॉरिटी जस्टिस देने के लिए, किसको अपॉइंट किया गया था? ओके, फटाफट तरीके से मैं बस काजी लिखूंगी भैया, काजी उल। अब बाकी तुम लोग बताओगे मुझे, क्योंकि मैम काजी उल तो तीनों ऑप्शन में लिखे हुए हैं। होता यूं था कि मैम पहले तो जो जस्टिस प्रोवाइड करते थे वो शहंशाह लोग होते थे, एम्परर होते थे जो जस्टिस प्रोवाइड करते थे। बट धीरे धीरे एक ऐसा टाइम गया जब एम्परर लोगों ने बोला कि यार हमें थोड़ा सा अपने जीवन जीने दो, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जितने भी मामले आते हैं जस्टिस के, उन सारे मामले के ऊपर हमें जो है वो सारे के सारे फैसले जो है वो सुनाया करेंगे। तो क्या कहा, बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक आदमी को अपॉइंट कर देते हैं, काजी ही रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, इस्लाम धर्म में जो होते हैं जैसे निकाह वगैरह जो कराते हैं काजी को कराते हैं, है ना, काजी
काजी मौलवी उनके ना अलग अलग पढ़ाई करने पे होता है, कोई हाजी बनता है, काजी बनते हैं। जहाँ तक मैंने इसके बारे में जानकारी मुझे प्राप्त है, ज़्यादा डीप में तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन वो पढ़ाई करके बनते हैं। जो आप कहते हो ना मुल्ला काजी, वो एक पोजिशन होती है जो पढ़ाई करने पर आपको प्राप्त होती है, ऑब्वियसली रिलीजियस एजुकेशन जो आप लेते हैं तब। तो इन्होंने कहा कि भैया आप काजी लोग जो होते थे उस टाइम पे, इनको हमेशा राजनीतिक ज्ञान देने का काम किसका होता था? काजियों का होता था, राजनीतिक ज्ञान दे, अब धार्मिक ज्ञान देने का काम। राजनीतिक काम तो हमेशा ये करते थे, तुमने कभी सुना होगा, अगर तुमने कभी अकबरनामा पढ़ लिया होगा तो उसमें सुना होगा कि कई बार अकबर को ये बोला जाता था कि आपको भले ज्ञान होगा पॉलिटिकल चीजों का, लेकिन कोई भी शहंशाह धार्मिक चीजों धर्म से बड़ा नहीं होता। पहले आप धर्म, आप पहले मुस्लिम हैं, उसके बाद आप क्या हैं, आप उसके बाद शहंशाह हैं। तो ऐसे डायलॉग्स आपको सुनने को बहुत ज्यादा मिले होंगे। तो इसका नाम था काजी उल कजकत। ये काजी उल कजकत जो है, नजाकत से हल्की कजकत, ओके। तो ये जो कजकत है इसको रखा गया कि एम्परर का जो बर्डन है उस पे हटाया जा सके। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये कि जो भी इसमें न्याय दिया जाता था वो न्याय मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता था। मेरी बातों को सुनना ध्यान से, इसमें जो न्याय दिया जाता था वो न्याय मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंगली दिया जाता था। बात समझ में? ये सारे तुमको जो मॉक टेस्ट है ना, अभी तुम लोग से टेस्ट दे रहा हूँ, मैं बार बार बोलूंगी टेस्ट लगाओ टेस्ट लगाओ। देखो मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ मॉक लगाओ, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार अब जाओगे ना मॉक लगाने, तुमको समझ में आएगा कि मैम उसमें क्वेश्चन कितनी बेहतरीन तरीके से आपके यहाँ टेक्स्ट बुक के मॉक्स में दिए हुए हैं। तुमको अपना एक स्कोर भी समझ में आएगा कि मैम हमारा स्कोर कैसा जा रहा है। आइए बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में, द फेमस विजयनगर एम्पायर, हम्पी, कर्नाटका। मैम आप जो भी बुलाना चाहें इन जगह को, आप इस जगह को वो बुला सकते हैं। जब मैम हम्पी, कर्नाटक और विजयनगर का जब जिक्र आता है तो ना जाने क्यों लेकिन हरिहरा और रूगा का जिक्र जरूर आता है। तो हम इस टाइम पे साउथ इंडियन डायनेस्टी में काउंट करते हैं किसको किसको, संगम वंश, संगम डायनेस्टी है ना। उसके बाद हम सालवा वंश है, तालुवा वंश है, अरविंदो वंश है। टोटल तो हम चार वंशों में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, या हम इसको देखते हैं, या कह सकते हैं हमारे सवाल यहीं से बनते हैं। तो कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर में जो सबसे ज्यादा मंगाई जाने वाली चीजें थी वो क्या थी। अब देखो उस टाइम पे लड़ाइयाँ होती थी दो तो लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में, शहनशाहों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो अब उस टाइम पे तो तुम्हारी वो ये थी कि बुलेट निकल के चले गए, हार्ले डेविडसन निकाले और चले गए, हाँ घूमने चले गए, गाड़ी निकाले मस्त और चलो स्पोर्ट्स कार निकालते हैं और मस्त रेस वेस जो है वो लगा के आते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे किस चीज़ से वो लोग सबसे ज्यादा सवारी किया करते थे या कहीं जाना होता था? तो एक एलिफेंट और एक हॉर्सेस। तो सबसे ज्यादा अगर भारी सामान उठाना हो, अगर भारी भरकम सामान उठा के कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो एलिफेंट की जरूरत पड़ती थी उस मध्यकालीन दौर में, और ऐसे मैम जनरली घोड़ों की जरूरत पड़ती। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट की जाने वाली जो वस्तु थी वो कौन सी थी मैम? वो थी आपके घोड़े। भूत आया भूत आया, चलो क्या कहा, हाँ घोड़े, हॉर्सेस। प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर तो हमेशा से हमेशा हमेशा से लोगों को बड़े ही प्रिय रहे थे। कीमती पत्थर भेंट के रूप में एक दूसरे को दिए जाते थे, जब एक दूसरे को अपनी बुके था ना रईसी दिखाना होता था काइंड ऑफ, तब लग्जरी गुड्स हमेशा वो तो आज भी चलते हैं। अच्छा रॉ सिल्क जो है, तो आपकी जानकारी के बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य से आपको याद आएगा दोनों का डॉट्स कनेक्ट करता है कर्नाटका। विजयनगर साम्राज्य और कच्चा रेशम, इन दोनों के डॉट को जो कनेक्ट करता है वो कौन है? वो है आपकी कर्नाटका। क्यों मैम? क्योंकि कर्नाटका जो है, अरे यही तो है सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर सिल्क का आज, राइट? सिल्क हमारे भारत में 15वीं सेंचुरी में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। सिल्क हमारे यहाँ पे 15वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो उस टाइम पे राजा रजवाड़ों के द्वारा बेसिकली यूज किया जाता था। चल ये वही रूलर है पूछ रहा है कौन सा ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक जिसने प्राइस कंट्रोल प्रणाली को लागू किया था, पैसे को कंट्रोल करने की प्रणाली को लागू किया था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके बारे में तो मैम एक ही व्यक्ति थे, थोड़ा सा सन की या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बुलाया था, या कह सकते हैं कि इसने अपने आप को सिकंदर सानी बुलाया था। चलिए जवाब, अरे बाबा रे बाबा, कोई फायदा नहीं होता इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने का, इतनी मेहनत से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है। कभी कभी ना खुद में अफसोस होने लगता है, पता है, लिटरली बता रहे, कभी कभी खुद में अफसोस होने लगता है इंसान को।
ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करती हूँ उन रूलर्स के बारे में बात करती हूँ जिन रूलर्स ने बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा, क्या कह सकते हो कि मैम बहुत ज्यादा क्या रखा मैम, कंट्रोल रखा एक्सट्रीम लेवल का। अब जैसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें, अलाउद्दीन खिलजी क्या है मैम? अलाउद्दीन खिलजी हर चीज पे तो कंट्रोल रखा, चाहे वो मार्केट प्राइसेस हो जाए तो उस पर कंट्रोल रख लो, तुम कितना सामान कौन कितना दाम पे बेचेगा, क्या सामान बेचेगा उस पर कंट्रोल। अब जो ज्यादा पावरफुल होता है, या देखो इनसिक्योर, हमेशा तुम लोग कहते हो ना कि यार ये वो सामने वाला बंदा बहुत इनसिक्योर इनसिक्योर इनसिक्योर, हमेशा वो होता है जिसको अपनी पोजीशन खोने से डर होता है, राइट? तो इसको काफी डर था अपनी पोजीशन को खोने से, तो इसने क्या किया कि इसने सैनिकों का हुलिया बनवाया कि देखो हमारे यहाँ कितने सारे सैनिक हैं और सारे के सारे सैनिकों का क्या करो, उन सारे के सारे सैनिकों का हुलिया बनवाओ ताकि सबके स्केचेस जो है वो हमारे पास होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। घोड़े पे जो दागी प्रणाली जो शुरू की, घोड़ों की दागी प्रणाली जिसने शुरू की वो कौन था? वो था मैम अलाउद्दीन खिलजी। शराब पे पूर्णतः तरीके से जिसने बंदी लगाई वो कौन था? वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी। ये बात समझ में आई? सैनिकों के स्पाई सिस्टम को वापस एक रिवाइव करने वाला, क्योंकि बलबन के टाइम पे ही स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, वापस से स्पाई सिस्टम को रिवाइव करने वाला अगर आप कहोगे तो मैम कौन था मैम? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अपने आप को टाइटल देने वाला कि मैं सिकंदर सानी हूं, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। शाहजहां नामा का ऑथर कौन था? शाहजहां नामा जो लिखी गई है वो इनायत खान के द्वारा, इनायत खान के द्वारा। चलो फटाफट जल्दी से एक रिकैप लेते हैं कि मैम किसने जो है वो क्या क्या लिखा है। सबसे पहली बार बात करते हैं बाबर नामा के बारे में, सबसे पहली बार बात करते हैं बाबर नामा के बारे में। यार ये वाला बोर्ड का कलर ऑप्शन डिफरेंट क्यों है? सेम कंपनी का बोर्ड था मेरे पास, फिर इतना डिफरेंस। बाबर नामा मैम किसने लिखी? खुद बाबर ने लिखी, ठीक है। ओके, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा मैम? गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था मैम? गुलबदन बेगम ने लिखा था। दस गिव मी अ सेकंड, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की हाफ सिस्टर। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की हाफ सिस्टर। तो इन्होंने क्या लिखा? हुमायूं नामा लिखा। क्या? अच्छा, इसके बाद मैम अकबर नामा किसने लिखा? के बाद अकबर नामा जो है ये किसने लिखा? अकबर नामा लिखा आपकी अबू फैजल ने। आईने अकबरी, सुनो आईने अकबरी, अकबर नामा, ये दोनों अबू फैजल के द्वारा। और अबू फैजल की हत्या किसने करवाई, मारा किसने, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। अगले सवाल पर आइएगा। पहला मुस्लिम एम्पायर जो आपको बताना है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर? देखो क्या है ना कि मैं ज्यादा कमेंट देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं ना ज्यादा देख नोटिस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं फोन से चेक कर रही हूँ यहाँ पे। अभी तक मैंने टीवी नहीं लगवाया है, अभी तो सेटल हुआ है स्टूडियो। पहले पहले आप देखते हो कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तक के फुल फ्लेज में आ गए तो मत करो परेशान, बहुत मार मारेंगे। सही बात है, देखो। हाँ गुड, चलिए बताइएगा मैम। गजनी काबुल, दो प्रकार के मेरे पास जो हैं ये ऑप्शन जो हैं ये आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं आप लोग को? अफगानिस्तान, क्या बोले मैम? अफगानिस्तान। महमूद गजनवी का नाम सुना था, गजनी का नाम सुना था महमूद। और तुमने ये ट्रेंड सुना था कि जो जहां पे आता था वो उस जगह को अपने नाम से रख देता था, जो जिस जगह पे आता था वो हमेशा उस पर्टिकुलर जगह का नाम जो होता था वो अपने ऊपर रख देता था।
ऐसा होता था या नहीं होता था? हाँ या ना? होता था मैम? कौन सी जगह मैम? कौन सी जगह? अलवसिक बिलाल। ये जो उपाधि तुम सुन रहे हो, ये अलवसिक बिलाल की उपाधि आपको बताना है कि मैम ली किसने थी। फटाफट तरीके से बताएंगे। कहा जाता है कि खुद से लेने की उपाधि की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की है, तो कई लोग इसे अलाउद्दीन का पुत्र भी बताते हैं। ओके चलिए जल्दी से बताएंगे जवाब जवाब जवाब। ओके मैम मुबारक 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 शाह 210%। ओके संजय मयंक लक्ष्मी अकबर गुड ठीक है। क्या बोला मैम हमने इसको कि आपका है मुबारक शाह। ये खुद से जो लेने की प्रथा चलती है ना, वो प्रथा कई 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 बार चलती आ रही थी। तो होता यूं था कि चूंकि आप जो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ एक नाम देख रहे हैं मलिक काफूर, तो मलिक काफूर काफी ही क्लोज और काफी प्रिय दोस्त था किसका? अलाउद्दीन का। जाहिर सी बात है अलाउद्दीन के जाने के बाद और उससे पहले भी जो सल्तनत को जो देख रहा था और जो सल्तनत को आगे बढ़ा रहा था, पहले तो सेनापति के रूप में और फिर कह सकते हो कि एक इनविजिबल एम्परर के रूप में ये काम कर रहा था आपका मलिक काफूर, जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि मलिक काफूर को हजार दिनार में खरीदा गया था। हाँ से गुजरात के खंबात, गुजरात के खंबात बंदरगाह से खरीदा गया था। तो ये पूरी सीरीज है। उसके बाद कहा जाता है कि उसको हटा दिया गया, मलिक काफूर को किसके द्वारा हटा दिया गया? तो मैम आपकी मुबारक शाह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कुर्राना तुर्क किसे बुलाया गया है? कुर्राना तुर्क, देखो दिल्ली सल्तनत में जो हमने देखा तो बहुत सारे डायनेस्टियां आई थी दिल्ली सल्तनत, जैसे गुलाम वंश का शुरू हुआ, तो जैसे ऐबक से शुरू हुआ, फिर इल्तुतमिश आया, फिर बलबन आया, तो सबकी अपनी अलग 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 पहचान थी, सब अलग अलग जगह से आए हुए लोग थे। अब यहाँ पे बताइए, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इसमें के जो फाउंडर थे ना, उनके फाउंडर को एक उपाधि प्राप्त थी जिसका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। अब गाजी किसे बुलाते थे? आज के टाइम पे गूगल पे सर्च करने जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाएंगी, लेकिन उस टाइम पे जो गाजी बुलाते थे वो बुलाते थे जो काफिरों को मारता हो। क्या बोला मैंने मैम? जो काफिरों को मारता हो। ठीक है गाजी मलिक बोलते थे। क्या बोलते थे मैम? गाजी मलिक। अब शायद आपको हिंट से समझ में आ गया होगा कि मैम ये कौन था? ये था मैम तुगलक वंश। क्योंकि तुगलक वंश में ही आपके क्या थे? गयासुद्दीन तुगलक भी था। जिस गयासुद्दीन तुगलक को आप क्या बुलाते थे? गाजी मलिक बुलाते थे लोग। और उसी का बेटा आएगा बाद में जिसे आप किंग ऑफ ओपोजिट बुलाइएगा, यानी कि मैम मोहम्मद बिन तुगलक बुलाइएगा। खिलजी वंश कौन था? खिलजी नस्ल में सबसे नीचे माने जाते थे। गुलामों की भी अपनी नस्ल होती थी उस टाइम पे। अब मैं जाति तो नहीं पता कि उस टाइम पे लोग जाति फॉलो करते थे या नहीं करते थे, लेकिन उस टाइम पे नस्ल फॉलो होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ट्राइब्स होते थे, कबीले होते थे। उन कबीलों में एक अपर कबीला कह सकते हो, नस्ल नस्ल पे डिपेंड करता है। तो ये भी गुलाम थे, घौरी का ये लोग गुलाम थे, लेकिन खिलजी वंश क्या सबसे नीचे नस्ल में आते थे। तब जलालुद्दीन खिलजी पहले बैठा, जलालुद्दीन को हटा के कौन बैठा? उसका दामाद कम भतीजा, जो भी कहना चाहो, तो अपने रिश्ते में शादी हो जाते। तो मैम क्या बोला गया मैम? वो था आपका खिलजी वंश। मामूलक वंश किसे बोला गया था? स्लेव डायनेस्टी को। मामूलक किसे बोला गया है? मामूलक बोला गया है मैम स्लेव डायनेस्टी को। अब ये वो स्लेव डायनेस्टी है, मामूलक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता के गुलाम संतान। क्या मतलब होता है? स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। क्लियर? आइएगा आगे। विजयनगर एम्पायर जो है ये कितनी डायनेस्टियों को मिला के बना है? आई गेस कि मैंने आप लोगों को जस्ट थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। जल्दी जल्दी मैंने इसमें चार डायनेस्टी मिला दी है, मैंने इसमें चार डायनेस्टी मिला दी है। याद करो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो आपका वंश था इसमें क्या क्या मैम? तो हमने कहा
कि मैम पहली चीज तो इसमें ये कि मैम संगम वंश है ना, तालु आएगा, आएगा फिर लास्ट में अरविंदो वंश आएगा, हो गया चार वंश बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। आगे देखिएगा, टोटल कितने सेशन हुए थे संविधान सभा के जब आपका ये ड्राफ्ट हो रहा था तब? जल्दी जल्दी जवाब। संगम सालवा तालवा अरविंदो, ठीक है 11 13 11 13। ओके सिटिंग पूछे हैं, वोट नहीं पूछे हैं। 299 बेटा, बोर्ड में ना आपको अपर लाइन में थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा, राइट? देर नहीं हो रहा होगा, अभी क्या हो गई है, बोर्ड जो है बहुत ऊपर लग गया, हमने नया स्टूडियो बनाया तो बोर्ड काफी ऊपर लग गया, वैसे जो इसके ऊपर पड़े और बोर्ड काफी ऊपर लग गया, इसी के बोर्ड जो है वो अभी आप लोग की क्लास एंड, मैं उम्मीद करती हूँ अगर वो बंदा आ जाए बोर्ड को नीचे, हाँ तो काफी बातें मुझसे सुनने वाला। चलिए तो हमने क्या कहा मैम, टोटल कितने आपकी 11। अब ये संवैधानिक सभा जो है मैम ये बैठी कैसे थी, मतलब मैम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये बैठी कैसे थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी आपकी कैबिनेट की वजह, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी बैठी वो किसकी वजह से बैठी? वो कैबिनेट मिशन की वजह से आपकी क्या ये बनी। बनने के बाद बात हुआ संविधान बनाने के, कि अपना संविधान बनाएंगे हम, अपनी संविधान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब अपना संविधान बनाने के लिए वोटिंग हुई भैया, पहली मीटिंग चली, पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई। अब जब पहली मीटिंग चली तो प्रॉब्लम ये हुई कि मुस्लिम ने बॉयकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग ने, उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं जाने वाले हैं, हम लोग नहीं जा रहे संविधानिक सभा में, तो इनके अलग ड्रामे थे। तो हमने कहा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, छोड़ो स्टार्ट करो। अब जो नहीं आया क्या ही कर सकते, कितना दुख मना सकते हैं। दूसरी चीज क्या था, उन्होंने बॉयकॉट क्या किया। अब पहली मीटिंग जो हमारी हुई 9 दिसंबर को, हमने वहां पे जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमने जिनको बनाया वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, जिनको हमने बोला कि इनको हम आज की मीटिंग के लिए ही बस इनको हम बना रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। और उसी दिन पे ये डिसाइड हो गया था कि अगली मीटिंग में हम किसको बनाने वाले हैं, अगली मीटिंग में हम बनाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपके प्रेसिडेंट। ये सवाल बार बार पूछा गया है आप लोगों से, इसलिए मैं बता रही हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी को। और उसके बाद क्या बोला गया, एक्सी मुखर्जी साहब को वीपी बनाया गया। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाई गई और ताकि इन कमेटियों ने बैठ के आपका संविधान को ड्राफ्ट किया, डिस्कशन हुआ। और ड्राफ्ट करने के लिए कौन सी कमेटी बैठती है, प्रारूप समिति, यानी कि मैम ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें बाबा साहेब ने इसको अध्यक्षता की थी और बाकी 7 मेंबर आपके केस में। चलिए भाई, ऑल क्लियर है, क्यों परेशान कर रहे हो मैम को? चलिए भाई जल्दी 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 जल्दी। आइए अगले सवाल की तरफ, क्या कह रहा है, हु सेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ये बातें किसके द्वारा कही गई है मैम? ग्रेविल ऑस्टन के द्वारा कही गई। आप लोगों ने शायद कभी जुरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा होगा, काफी चीजें इन लोग के द्वारा कही गई हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इशूज द कमांड टू द पब्लिक ऑफिशियल। अच्छा, कौन सा रिट जो है इशू करता है कमांड किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि तुमने ये ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म करी है, आपसे सवाल पूछते हुए, है ना, आपको सवाल पूछते भी कि आपने कर्तव्य को आपने क्यों नहीं निभाया है, एंड दैट इज कॉल्ड मैंडमस। मैम रिट हमारी कितनी प्रकार की है? 5 हमारी रिट है। और मैम रिट कब होती है जारी? रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। और कब जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? जब उसे लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, जब हम जाते हैं और कहते हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है, हमारी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट वन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर जो है वो डीपीएसपी का नहीं है। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, ना ना ना, दे डोनेट द आइडिया ऑफ स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मेटिंग पॉलिसीज, ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाले एक्ट में भी मेंशन करें।
ठीक है, तो डीपीएसपी कहाँ पे है? डीपीएसपी आपके भाग चार में है। डीपीएसपी कहाँ पर है मैम? डीपीएसपी आपके भाग चार में है। राज्य को कैसे बिहेव करना चाहिए, राज्य को कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सारे तरीके जो हैं वो आपके इसमें आपको मिल जाए। बात समझ में आई? ये क्या चल रहा है? ये कौन था जो इतनी देर से परेशान कर रहा था? मैंने अभी इसको ब्लॉक किया, मैंने अभी जस्ट देखा इसका मैसेज। मैंने बोला ना मैंने टीवी नहीं लगा रखा है सामने जहां से मैं कमेंट्स देख सकूं, तो फोन है तो पढ़ाते पढ़ाते आदमी कितनी बार हाथों में फोन फोन को उठाएगा, हाथों में कितनी बार देख पाएगा? नेक्स्ट वन, हु इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा? ओके मैम, राज्यसभा, ये वही राज्यसभा है ना जिसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं अपर हाउस, या कह सकते हैं इसे हम बुलाते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। क्या बुलाते हैं इसे? हाउस ऑफ एल्डर्स बुलाते हैं। अब जो इसके मेंबर्स है वो चूज कैसे किए थे बताओ, मैं जरा पानी पीऊँ जरा। इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रॉल, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 84 अपर, ध्यान दीजिएगा। तो मैम इसमें क्या होते हैं, इसमें एक चीज होती है वो ये होती है कि जो वीपी साहब होते हैं, यानी कि मैम इसमें जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपके मेंबर नहीं होते हैं, मतलब वो आपकी राज्यसभा के मेंबर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां पे किसी प्रकार का किसी को ऐसा ना लगे कि कोई कोई पार्शियलिटी चल रही है ना। देखो पार्शियलिटी का सीन हर जगह होता है, किसी कंपनी में चले जाओ, किसी स्कूल में चले जाओ, स्कूल में कोई कोई टीचर का फेवरेट होता है जिसको लेकर टीचर बड़ी पार्शियलिटी करता है, उसके बाद में जाके कॉलेज में जाके होगा, फिर धीरे धीरे वर्क प्लेस में आओगे वहां जाके पार्शियलिटी होगी, ये सारी चीज चलती है। स्कूल में पार्शियलिटी कब होता है कि तुम अच्छे होते हो, जनरली पढ़ने में अच्छे होते हो, टीचर क्या यू ही फेवर करे, या ऐवे भी हो जाता है, जब लोगों को अच्छा कोई लग जाता है तो वो अच्छा लग जाता है, वो एक था ना एक डायलॉग, अगर तुम किसी को अच्छे लगते हो तो किसी भी हालत में या सूरत में अच्छे लगते हो, और जो अच्छा ना लगता वो माथे पे चांद सजा के आ जाए वो अच्छा नहीं लगेगा, तो वैसी वाली कंडीशन होती थी। वर्क प्लेस में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा जाके हाँ 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 करते हो लिटरली, अब मैं वो टर्म नहीं कहना चाह रही हूँ, तो उनको बड़ा फेवरेटिज्म बनाया जाता है, तो इसीलिए कहा गया कि भैया पार्शियलिटी नहीं रखनी है, ये जो है आपका इस जगह पे पर्टिकुलरली, तो एक काम करते हैं कि जो आपकी चेयरपर्सन होंगी, जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे वो आपके मेंबर होंगे, क्या कहा, वो आपके मेंबर नहीं होंगे राज्यसभा के, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला गया, मेघालय के बारे में जिक्र है, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 51st अमेंडमेंट था, कौन सा मैम? 51st अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट में रिजर्वेशंस दिए गए थे एससी एसटी को, शेड्यूल ट्राइब्स को, मेघालय अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मिजोरम में, दूसरी चीज क्या है समझो आम, रिजर्वेशन की जहां तक बात है तो हमारे संविधान में रिजर्वेशन का काफी बवाल हुआ था, तो रिजर्वेशन सबसे पहले स्टार्टिंग में 10 सालों के लिए दिया गया था आपको, जब आपको बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मुझसे पेड बैचेस दिया होगा पहले, तो मैंने पेड बैचेस में आप लोगों को पूरी जब थ्योरी पढ़ाई तो मैंने अमेंडमेंट्स के बारे में जिक्र किया है, तो मैक्सिमम अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो उस अमेंडमेंट्स को बस किया ही गया है 10 साल वाले टर्म को बढ़ाने के लिए, 10 साल और 10 साल और 10 साल और, यस 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 एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, वुमेन वन थर्ड। सबसे पहली बार पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है मैम, सबसे पहली बार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपकी कब सेटअप हुई थी, चलिए फटाफट से बताइएगा। तो मैम पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पहली बार 19, फिर पेन कैसा है यार, सेम बोर्ड तो मैं वहां भी घर पे भी यूज कर रही थी, पेन डिफरेंट,
प्रोक्लेमेशन अगर आपको डिक्लेयर करना है आर्टिकल 360 के अंतर्गत कि भैया आप फाइनेंशियल इमरजेंसी आ रही है. अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत जो होती है, गिव मी अ सेकंड, फोन हाथ में लेके नहीं खड़े रह सकते. टीवी वाले को मैंने टीवी ऑर्डर किया कल तक नहीं होगी. ओके तो क्या बोला गया मैम कि फाइनेंशियल, जब देश में फॉरेस्ट रिजर्व खत्म हो जाए, देश में हालात खत्म हो जाए. पाकिस्तान की भी हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान में भुखमरी की हालत है. आपने देखा है कि वहां पे आटा और ये जो केले वगैरह हैं वो 500 रुपए दर्जन बिक रहे हैं. अमरूद तो मैम रहने ही दो, मतलब इतने महंगे महंगे भाव हो रखे हैं, किस के टमाटर के प्याज के भाव इतने बढ़ रखे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते. मैम 3000 रुपए का अगर मैम 5 किलो आटा की बोरी अगर 3000 की मिलेगी 4000 में तो क्या होगा. एक वीडियो सामने आया था जिसमें लोग आटे की बोरियां लूट रहे थे और उस वक्त पे 2 बुजुर्गों की मृत्यु भी हो गई थी भगदड़ की वजह से. तो ऐसे हालत आ गए पाकिस्तान में कि मतलब सोच भी नहीं सकते हो. अब उसका कारण क्या है, आपको याद होगा पाकिस्तान में आया था फ्लड लास्ट ईयर. लास्ट ईयर तो पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी उसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, उसकी मेजर इकोनॉमी मेजर पॉपुलेशन को हालत को डगमगा के रख दिया. दूसरी चीज पाकिस्तान का लोन लेना, पाकिस्तान लगातार कई जगह से लोन ले रहा. मैंने आपको मतलब लास्ट ईयर की बात है जब मैंने आपको मैं क्लास लेती थी बीच में स्टार्टिंग की, मैंने आपको बताया था इसके बारे में जो पुराने स्टूडेंट्स उनको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान जो है इस बार आईएमएफ के पास जा चुके हैं कि और लोन दो और लोन दो. 2 राउंड ऑफ लोन उनका ऑलरेडी चल रहा है आईएमएफ के साथ, स्टिल और लोन दो, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी किसके पास, इवन जो बिडन के पास जब गए थे, जो बिडन ने बुलाया था कि आओ कभी क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं साथ में बैठ के भैया, दोनों है यूके वाले ने जब बुलाया था तो वहां भी उनसे पैसे मांग लिया और इंडिया के खिलाफ बुराई की, तो इंडिया के साथ डीलिंग मत करना ये वो, तो जो ब्रिटेन ने कैंसिल किया था उस चीज़ को. तो मतलब ये लोन में डूबती भी इनकी आबादी जनसंख्या और दूसरी चीज़ फॉरेस्ट रिजर्व का खत्म. तो ये जो है कि ऐसी स्थिति है जो आपके यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी की चीज़ों को ला सकता है. अगर प्रेसिडेंट साहब इसको डिक्लेयर करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात आ चुके हैं, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन पे आपको 2 महीने का वक्त होता है. कितने वक्त के लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया था, 2 महीने के. जैसे ही भाई साहब ये लग गई खत्म कहानी, सबकी सैलरी बंद, चाहे वो जजेस क्यों ना हो उनकी भी सैलरी बंद. मतलब देश के पास पैसा नहीं है. अच्छा एक टर्म कहा गया जुडिशियल डायनिज्म. जुडिशियल डायनिज्म का मतलब क्या है या दूसरा अर्थ क्या हो सकता है इसके लिए, जुडिशियल एक्टिविज्म. वेरी एक्टिव इन जुडिशियल है ना. तुम देखो कितने सारे PIL वगैरह फाइल होते हैं, कभी तुम लोगों ने PIL फाइल किया है? हाँ कि मैं बाकी नागरिकों की रक्षा के लिए मैं मैम केस कर रहा हूँ, या फिर मैम कोई भी एक ट्रेजिडी हुई है उस ट्रेजिडी के लिए मैम केस मैं कर रहा हूँ. आगे बढ़िएगा. CM के राइट्स के बारे में, स्टेट के बारे में कहाँ पे जिक्र किया गया, ड्यूटीज के बारे में 166 या फिर 167. कौन सा 167? गुड. आगे देखिएगा कौन सा आर्टिकल जो ये डील करता है अपॉइंटमेंट टेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन. मिनिस्टर्स जो हैं, आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ओथ के साथ कौन डील करेगा, उनकी ड्यूटीज होंगी, उनके लिए सैलरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका टेन्योर कितना वक्त का होगा, इसके साथ मैम डीलिंग कौन करेगा. मैम तो वो डीलिंग कौन करेगा आपकी, वो आर्टिकल 164 और 163. चलो 50-50 ऐसे क्यों लिखा रहा है बताओ, 50-50 कंफ्यूज करती हूँ. मैंने पहले जवाब दिए, तुम लोग वही सेम जवाब लिखना शुरू कर दोगे. 164 164 164 164. बस एक बच्चे का जवाब गलत हुआ है, बाकी सब कुछ एक तो अलग ही दिशा में जा रहा है. कौन दिशा में चले रे बटोहिया. क्या बोला गया मैम, आर्टिकल 164. आपको बताने किस क्राइटेरिया पे स्पेशल बॉडीज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूट फंक्शन. आगे देखिएगा कौन फिक्स करता है फॉर इलेक्शन एक्सपेंस के लिए. मैम करती तो मैम यूनियन गवर्नमेंट फिक्स करती है कि भैया कौन कितना खर्चा करेगा इलेक्शन में. है तुम NCR से हो, गांव में कहाँ 20 लाख की आबादी है, कहाँ पे तुम्हारी कितनी प्रकार की आबादी है, उसके हिसाब से मैम आपकी खर्च का चीज जो है वो निर्धारित होता है. लेकिन लगाया किसके द्वारा जाता है, लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा.
डिसाइड यूनियन गवर्नमेंट कर दी है, और मैम लगाती कौन है, लगाती है आपकी इलेक्शन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स एक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, गुड 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 गुड, यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, यूजीसी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कब लाया गया था मैम, 1956 में। अरे मैम ये तो सेम डेट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला, ये तो सेम डेट आ गया ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो आपका डेट था। किस साल में आपकी होम्योपैथी एक्ट को इनैक्ट किया गया था, फटाफट तरीके से, होम्योपैथी एक्ट को। इंतजार, कम्युनिकेशन स्लो चल रहा है। 1972, 1973, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी मैम 72, 73। तो मैम संजय का जवाब बिल्कुल सही हुआ मैम, 1973। चलिए होम्योपैथी के फादर का नाम लिखिएगा, होम्योपैथी के फादर का नाम लिखिएगा। जल्दी से फटाफट तरीके से, होम्योपैथी के फादर सैमुअल हैंगमैन। मैंने खुद से बताया क्योंकि मुझे कमेंट मैंने तो देखा नहीं। सैमुअल 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 सैमुअल, अब तक के जवाब मिल गए। ओके, केलकर कमेटी जो कि आपकी जीएसटी के ऊपर लाई गई थी। अरे मैम जीएसटी तो अभी आया है ना मोदी जी के टाइम पीरियड पे, क्या आप भी बातें कह रहे हो, और आपने मोदी जी का टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन ही नहीं करा है। मोदी जी 2014 से आए हैं और इस टाइम पे मैम जीएसटी भी आया है, तो मैम उससे पहले कैसे आ सकता है, कमेटी कैसे बैठ सकती है ना। जब से पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ जीएसटी, हु इज द फादर ऑफ, या फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ जीएसटी, क्या बताओगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जीएसटी बोलोगी मैम? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन मैम? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अब तो मैम डेट्स मैच कर जाएंगे, अब तो हम तुरंत मैच करवा देंगे डेट्स को, अब तो ज्यादा टाइम भी लेंगे डेट्स को मैच करवाने में। एग्जैक्टली तो हम इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब का हो जाएगा 2005। क्या हो जाएगा? 2005। क्लियर? ओके, फ्रेजर कमीशन जो एस्टैब्लिश करी गई थी 1902 में, जो फ्रेजर कमीशन के बारे में जो बात करते हैं, तो ये फ्रेजर कमीशन किस चीज के लिए एस्टैब्लिश करी गई थी मैम? करी तो गई थी एजुकेशन के लिए, फिर लगता है कि नहीं मैम पुलिस के लिए की गई थी, जल्दी बताओ। हाँ एनपीएस सिस्टम, ठीक है। मैम पुलिस 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 पुलिस, यस 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 यस। अब सुनो, इसी का टाइम पीरियड पे जो फ्रेजर जब ये लेके आया था ना, फ्रेजर का आयोग, तो पुलिस के लिए लेके आया था। अब पुलिस से संबंधित है कौन सा? खुफिया विभाग, जो जासूस विभाग है। ये सेम टाइम पे कर्जन भी लेके आया था, सेम टाइम पे कौन मैम? कर्जन भी लेके आया था, ठीक है। वो खुफिया विभाग वाली जो पुलिस थी के लिए कौन मैम? कर्जन, स्पाई सिस्टम वालों के। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट वन। ड्यूअल गवर्नमेंट जो चल रहा था बंगाल में 1765 में, तो ये वॉज अ रिजल्ट ऑफ फरमान, एक ऐसा शासक जो पता नहीं शासक होके भी शासक नहीं था, या पता नहीं उसे क्या बोल सकते हैं उस व्यक्ति को हम लोग, तो उस व्यक्ति का नाम बताइएगा वो कौन था, जिसको बाद में जो आराम से ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे साइन वाइन करके मस्त अपनी जीवन को बता रहा था, 26 लाख रुपए का पेंशन भी लिया कि मेरे को नौकर चाकर जो मैं रखूंगा उसके लिए पेमेंट दो, मेरे को जो ऐशो आराम से जो जिंदगी बितानी है उसका पेमेंट दो। ये तो आदत लगा ली थी ना ब्रिटिशर्स ने, इनको समझ नहीं आया कि इनकी सत्ता इनकी ताकत छीन ली ब्रिटिश, जिसका बैठ गया उनको पैसे दे दिए। देखो तुम कहीं भी जॉब करो, एक ऐसा खेल है बताओ, समझो ऐसा, पहले मुगलों का ही सब कुछ था और ब्रिटिशर्स क्या थे, वो बस ट्रेडर थे। फिर क्या हुआ कि इनकी जगह पे कौन आ गए मैम? इनकी जगह पे आ गए मैम ब्रिटिशर्स, और इनको बना दिया था एक एम्प्लॉय के तरीके से, जिसको ये लोग लालच दिए कि तुमको हम पैसा देते रहेंगे देते रहेंगे और तुम हमारे अंदर अंतर्गत आ जाओ। ये भी बड़ी प्राउड वाली बात हो गई, तो जिस तुम कहीं भी काम कर लो, वेदर यू आर गेटिंग द सैलरी 4 लाख रुपीज पर मंथ, 5 लाख मिल जाए, 6 लाख मिल जाए, वो इट्स जस्ट एन एम्प्लॉय। तुम क्या हो? तुम एम्प्लॉय हो, उस समय तुम कुछ नहीं हो। तो तुम खुद का बिजनेस करते हो, जब तुम खुद के काम में हो, खुद के बिजनेस में हो,
देखो एक टर्म है बंगाली में बोलते हैं कि चाकरी जो है, मैं तुम्हें हिंदी में समझाऊं, चाकरी जो है वो हमेशा चाकरी रहेगी वाली कंडीशन, ये वह वाली कंडीशन थी इसके साथ। तो अंग्रेजों ने इन लोगों को आदत दिलवा दी थी कि तुमको हम पेंशन जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर तुमको हम पेंशन जो है वो देते रहेंगे। इसीलिए जब इंडिया जब आज़ाद हो रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर भी इन्होंने क्या किया था कि जितने राजा रजवाड़े थे इन लोगों ने हमसे पैसे मांगे, इन लोगों ने हमें पेंशन मांगा। अब तुमको पता है मेरा अगला सवाल तुमसे क्या होने वाला है, पता है ना? इन क्या बोला, इनसे पेंशन देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हम लोगों से भी इन लोगों ने पेंशन मांगा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पेंशन दो। तो एक बात बताओ, किस अमेंडमेंट के जरिए प्रीवी पर्सेस खत्म किया गया था? किस अमेंडमेंट के जरिए प्राइवी पर्सेस जो है इसे खत्म किया गया, प्राइवी पर्सेस को या प्रीवी पर्सेस जो भी बुलाना चाहे इसे खत्म किया गया, और ये काम मैडम इंदिरा नेहरू गांधी के अलावा कोई और कर नहीं सकता। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चाकरी क्या होता है? अरे अकबर, चाकरी का मतलब तो नौकरी, बंगाली में इट्स कॉल्ड चाकरी, किसी की चाकरी करना, किसी के लिए जॉब करना। चौकीदारी से टर्म ऑरिजिनेट हुआ कि तुम किसी और के लिए जॉब कर रहे हो अल्टीमेटली। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, बेसेंट 1971, ओके, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और सबका जवाब जो है वह एनी बेसेंट आ चुका है। किसने कहा तुम्हें सुयाश? Who told you? You assumed, तुमने खुद से assume कर लिया है। Okay, next one. तो मैम क्या हमने कहा एनी बेसेंट के बारे में? चलिए, कॉमनवेल जो अखबार है, ये कॉमनवेल अखबार में किसने, किसने मैम, कॉमनवेल अखबार किसका था? होम रूल लीग के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि मैम होम रूल लीग की जब बात आती है तो मैम एनी बेसेंट का बहुत ही सक्रियता के साथ एनी बेसेंट और तलक साहब का नाम सामने आता है, जिनके द्वारा ये एम्फेसाइज किया जा रहा था, जिनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि होम रूल मूवमेंट होने चाहिए, एक जो आपका सेल्फ गवर्नमेंट जो रूल होता है, आपका सेल्फ डोमेन आपका जो रूल है उसके बारे में। आगे देखिए अगले सवाल, कैनिस ल्यूपस फेमिलिस, भाई इसका नाम ऐसा है कि तुमको समझ में आ ही जाएगा, क्या बोला है? कैनिस ल्यूपस फेमिलिस, चलिए बताइएगा। साइंटिफिक नेम, एग्जाम में पूछा है, कभी मैंगो का पूछता है, कभी गुआभा का पूछता है, कभी टाइगर का पूछता है। टाइगर को तो आसान है, वो टिग्रस करके है ना, वो आसान है, समझ में आ जाता है। तो मैम ये किसका है? मैम ये डॉग का है, कुकरा, संस्कृत में क्या बोलते हैं हम, कुकरा। आगे देखिएगा अगले सवाल की तरफ, आज का आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022 का थीम क्या था? जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, है ना? जय हिंद। सी पक्का क्या है भाई? स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी, गलत, इसे लेके आती हूँ, दूसरे को कॉपी मत करो। क्या था? बिल्ड बैक बेटर। 2022 पूछे थे रे, थोड़ा तो ऊपर देख लेते मैम, थोड़ा सा देख लेते ना, तो मैम अपना गलत नहीं होता। फिर ये बात समझ में आई सभी को? हाँ या ना? विश्व ऐसे नहीं हंसते। हाँ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे ना इससे प्रॉब्लम है, जो तुम्हारी हाइट हो ढक रहा है उस साइड, वो जैसे ही नीचे हो जाएगा अभी, अगर वो आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी मैं कॉल करूँ, जल्दी मेरे साथ टाइम लगता है तो आ जाए और आके ठीक। ओके, आर्म फोर्सेस कंडक्ट द प्रस्थान सिक्योरिटी एक्सरसाइज। चलो आई विल गिव यू एग्जांपल, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, सॉरी नेवी और कोस्ट गार्ड। अरे यार गलत कर दिया यार एग्जाम्पल देने में, दस तेरी की तुम लोग पकड़ लोगे अब। मैम नेवी 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 नेवी, अरे नहीं बच्चा एक्चुअली सर अपने अकॉर्डिंगली किया, मैंने हाइट बताया था लेकिन अकॉर्डिंगली किया। देखो जो तुम एक सामने रह के काम करवाते हो वो डिफरेंट, उसमें तीन चार पाँच दिन स्टूडियो से काम चल रहा था, चार पांच दिन से चल रहा था,
कौन सा एंगल किधर जाएगा किधर जाएगा, कहाँ पे ब्लैक कर्टन लगेगा, कहाँ पे साउंड प्रूफिंग लगेगी, है ना, 100 चीज़ें होती है करने को, तो 3-4-5 दिन लगता है। अब कंपनी से तुम 4-5 दिन की छुट्टी ले नहीं सकते, पॉइंट है। उस चक्कर में जल्दी जल्दी आपको पहले से करवाना पड़ता है कि काम पहले से हो जाए, तुम अकॉर्डिंगली सो क्या करोगे, ध्यान देना। इंडियन जो कि मैगजीन है, ये लॉन्च लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मैम किस फील्ड में आपका ये लॉन्च किया गया है? मैम मैम बी 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 बोले तो मैम क्या है? मैम फर्टिलाइजर। अच्छा, कोई फर्टिलाइजर के लिए कोई क्रांति आई थी क्या? कोई क्रांति वगैरह, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप, मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन टाइप, या राउंड रेवोल्यूशन टाइप, कोई ऐसी क्रांति आई थी क्या फर्टिलाइजर वाली भी? अगे नेक्स्ट वन, अगला साल क्या कह रहा है? अमन शेरावत जिनको भी न्यूज में देखा गया था, ये असल में किस खेल के लिए, इनको आप जानते हैं? आप इन्हें जानते हैं रेसलिंग के लिए। घर पे खेलते हो ना तुम लोग भाई बहन को पटक पटक के जो मारते हो? क्या कहा है मैम? शौर्य दिवस जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये शौर्य दिवस कितनी तारीख को आपका सेलिब्रेट किया जाता है? ओ यस गुड मैम, 27 अक्टूबर। जम्मू कश्मीर में मना पाना मतलब वो एक सपने जैसा है कि मतलब चीजें आपके साथ हो रही हो, पूरा देश एक साथ मिलके जी रहा हो, अगर सब कुछ सही रहे तो, मतलब लोगों की मर्जी, सब कुछ सही रहे, सब कुछ अच्छे से चले, क्योंकि तो है ही। आगे देखिएगा, स्वच्छ भारत दिवस सेलिब्रेट किया था 2 अक्टूबर को, गांधी जी के बर्थ डेट पर। चलिए मुझे ईयर बताइएगा कि स्वच्छ भारत को स्टार्ट कब किया गया था? मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, कई सारी चीजें जो मैम लाई गई थी, कई सारी चीजों को मैम रिड्यूस किया गया था। देखो, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जितनी बीमारियां तुम देख लो, जितनी भी बीमारियां तुम देख लो, डेंगू मलेरिया, दिल्ली में इतने मच्छर है, इतने मच्छर, इतने मच्छर है, मैं आइडिया नहीं। सारी बीमारियां इधर ही होती हैं, गंदगी इतनी फैला के रखते हैं, जहाँ देखोगे इधर फेंक देंगे, जब कचरे वाला आएगा फिर भी फेंक देंगे। तो कहने का मतलब ये कि अपने स्वच्छ आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखिए, अच्छा रखिए, स्वच्छ रखिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी इसकी वजह से। बाहर से आएंगे जो लोग आएंगे, कभी टूरिस्ट आपके यहाँ आते हैं, कभी फॉरेनर्स आते हैं आपके यहाँ इंडिया विजिट करने आते हैं, उनको भी देख के अच्छा लगेगा। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे साफ सफाई किए जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट के साथ कि गाँव में सदियों से बिजली नहीं गई है, लेकिन जब मंत्री जी आने वाले हैं गाँव विजिट पर तो उस गाँव में अचानक से बिजली आ गई, राइट? तो हमेशा चीज़ों को हम 2014 से ओके। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि इंडिया को 15th ईस्ट एशिया समिट में किसने रिप्रेजेंट किया था? वन ऑफ माय फेवरेट, बोलने के तरीके किसने? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एश इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और इनसे बेहतर इंडिया को मैम कोई भी कहीं भी। जी हाँ ओके। चलिए गाइस, तो आज के सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं, तक मैं देखूँ क्या क्या मुझे फिक्स करना बचा हुआ है, क्या क्या फिक्स कर सकते हैं, और अगर इतनी देर में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी अगले सेशन में, जो कि है आपकी रात के 9 बजे, 9 PM पे आपकी अगली सेशन है। मिलेंगे आप लोगों से रात के 9 बजे GS के धमाकेदार सेशन के। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग का क्या चल रहा है, आप लोग का ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पास के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड क्या लगाना है, दिव्या पास। देखो टेक्स्ट बुक पास से होता ये है, चाहे तुम डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम MTS की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फिर सेक्शन वाइज आपकी एग्जाम है। आपने एक टॉपिक कम्प्लीट किया, आपने एग्जाम उस पर टेस्ट दे दिया, एक टॉपिक कम्प्लीट किया सर, तो जाके एग्जाम दे दो। सब्जेक्ट कम्प्लीट कर लिया, फिर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर कम्प्लीट, चैप्टर पर एग्जाम दो। जब वो लेवल तुम्हारा क्रॉस हो, फिर सेकेंड लेवल पर तुम जाओ कि मैम अपना सब्जेक्ट कंप्लीट, सब्जेक्ट पे चले गए, फिर हम सब्जेक्ट में आप सेक्शंस वाइज जाएंगे। तो ऐसे करके तुम्हारे लेवल को आगे बढ़ाना, तुम्हें हिम्मत देना कि हाँ भाई तुम्हारी तैयारी सही तरीके से चल रही है या नहीं, वो तुम मॉक टेस्ट के जरिए तुम पता कर सकते हो। जहाँ तुम्हारी प्रॉपर टाइमिंग रहता है तुम्हारे एग्जाम की, तुम जिस भी एग्जाम की तैयारी करो ना, उस एग्जाम के टाइमिंग से ही वहाँ पर टाइमर सेट होता है एग्जैक्ट उसी तरीके से। ये नहीं कि SSC वालों का, UPSC वालों का, NDA वालों का एक जैसा रहेगा, नहीं, डिफरेंस रहता है। तुम्हारे एग्जाम का पैटर्न अलग है, तुम्हारे एग्जाम की टाइमिंग अलग है, तुम्हारे एग्जाम की फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, इस वजह से। तो कूपन कोड क्या लगाना है आपको, दिव्या पास, एक साथ ओके डन।
चलो सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी रात के 9 बजे वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।